गोपालगंज जिले के किसान सूखे की मार झेल रहे हैं। बारिश नहीं होने के कारण अब धान की फसल सूखने लगे हैं, साथ ही खेतों में दरारें पड़ गई हैं, जिसे देख किसान परेशान हैं। अब किसान बारिश के इंतजार कर रहे हैं। ट्यूबवेल से 300 से 400 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से पैसे खर्च कर धान की रोपनी करने वाले किसान सूखे को लेकर चिंता में डूब गए हैं। साथ ही ऐसे कई किसान हैं जिनका बिचड़ा पानी के अभाव में खराब हो रहा है, जो बिचड़े को अपने खेतों में नहीं लगा पा रहे हैं। अब बारिश के इंतजार में आसमान की ओर टकटकी लगाए इंद्रदेव से गुहार लगा रहे हैं। जिले में पिछले कई दिनों से बारिश न होने और तेज धूप के कारण खेतों में दरार पड़ गई है, साथ ही खेतों में लगे धान के पौधे पीले पड़ गए हैं। वहीं कुछ खेतों में फसलें झुलस गई हैं। रोपे गए खेत में पड़ी दरारे को देख किसान का कलेजा फट रहा है। किसानों का कहना है कि स्थिति सुखाड़ जैसी हो गई है और लगता है कि इस साल अकाल पड़ जाएगा। बता दें कि कृषि विभाग ने 88,000 हेक्टेयर में इस साल धान की रोपनी का लक्ष्य रखा है। किसानों ने फसल की उम्मीद में कर्ज लेकर रोपनी तो कर लिया है, लेकिन बारिश न होने से एक बार फिर से सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो गई है। देशवा न्यूज के लिए गोपालगंज से रंजीत की रिपोर्ट। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।